अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री। हमने तीन तरह के स्केल्स देखने हैं, सेंटीग्रेड स्केल, फॉरेनहाइट स्केल एंड एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल। इन तीनों स्केल्स में जो हमें बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, हमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। तो इन सब स्केल्स में हम दो रेफरेंस पॉइंट्स लेंगे, एक होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस और दूसरा होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और उसके दरमियान में जितने भी वैल्यूज़ आएंगे हम उसको पार्टीशन में डिवाइड कर देंगे, डिग्री बना देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेंटीग्रेड स्केल की बात करते हैं तो सेंटीग्रेड स्केल में जो टेम्परेचर ऑफ आइस है दैट इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो एक रेफरेंस पॉइंट आपके पास आ जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये दोनों सिचुएशंस आप ले रहे हैं एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। जब आप 0 से 100 के दरमियान में जो स्पेस है उसको जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास टेम्परेचर के टोटल इक्वल 100 पार्ट्स आ जाते हैं, और आप 100 पार्ट को कहते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड। डेफिनेटली आप 0 से 100 में, 0 से 100 के दरमियान में जितनी भी जगह है जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो 100 ही डिग्रीज आपके पास आएंगी। फॉरेनहाइट स्केल देख लेते हैं, तो उसमें आपका 1 एटमॉस्फेयर पर जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 32 फॉरेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 212 डिग्री फॉरेनहाइट। तो जब आप 32 और 212 के दरमियान में जितनी भी जगह है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो आपके पास 180 इक्वल पार्ट्स आ जाते हैं, और आप हर पार्ट को कहेंगे 1 फॉरेनहाइट। थर्ड टेम्परेचर स्केल है आपके पास एब्सोल्यूट या केल्विन स्केल, जो कि आप नॉर्मली ज़्यादातर गैस लॉस में इस्तेमाल करते हैं। गैस लॉस में आप ये दो लॉस स्केल्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। इस स्केल में अगर आप मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर पर तो आपके पास 273 केल्विन है, और अगर आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं तो वो 373। तो 273 और 373 100 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो जब आप इनको आपस में डिवाइड करेंगे पूरी जो 273 से 373 तक के पार्ट को जब आप डिवाइड करते हैं तो 100 इक्वल डिविजन्स आती हैं। ठीक है, अगर आपने केल्विन स्केल में टेम्परेचर लेना हो तो आप सेंटीग्रेड स्केल के टेम्परेचर में 273.16 को ऐड कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास रिलेशनशिप्स हैं जिनको आप याद करेंगे, कि अगर आपके पास सेंटीग्रेड स्केल में है और आपने केल्विन में चेंज करना है आप सिंपल 273.16 ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास केल्विन में है और आपने सेंटीग्रेड में फाइंड करना है तो आप 273 को इस साइड पर ले जाएंगे और माइनस कर देंगे। सिमिलरली अगर सेंटीग्रेड में आपके पास गिवन है, सेंटीग्रेड में आपने फाइंड करना है टेम्परेचर और फॉरेनहाइट में गिवन है तो आप फॉरेनहाइट वाला टेम्परेचर इधर लगाएंगे और 5/9 फॉरेनहाइट माइनस 32, पहले फॉरेनहाइट में से 32 माइनस करेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पर डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से अगर फॉरेनहाइट में गिवन है और सेंटीग्रेड में फाइंड करना है सेंटीग्रेड में गिवन है तो आप इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं और आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है। आपने ये तीनों फार्मूलाज अच्छे से याद करने हैं। जनरल गैस इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, तो जनरल गैस इक्वेशन में हमने सारे गैस लॉज को इकट्ठा करना, हमने दो पढ़े हैं, तीसरा अंडरस्टूड है, तो हम तीनों को कंबाइन करते हैं और एक इक्वेशन बना लेते हैं। हमारे पास बॉयल्स लॉ क्या था? बॉयल्स लॉ था कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ क्या था? वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और एक कॉमन एक्सपीरियंस है बेटा कि आप जितने नंबर ऑफ मोल्स गैस के लेंगे उतना ही उसको वॉल्यूम चाहिए होगा, तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो इन सब की साइड पर वॉल्यूम है तो आप एक साइड पर वॉल्यूम लिख लीजिए, और सब प्रोपोर्शनल हैं, किस किस के एन डायरेक्टली है तो एन ऊपर आ गया, टेम्परेचर डायरेक्टली है टेम्परेचर भी ऊपर आ गया, और प्रेशर नीचे है तो आप प्रेशर नीचे लिख देंगे। कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे, कॉन्स्टेंट लगेगा, एन टी ओवर पी बन जाएगा। कॉन्स्टेंट जो नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है गैस इक्वेशन में दैट इज़ कॉल्ड आर। आर इज़ कॉल्ड जनरल गैस कॉन्स्टेंट। वट इज़ आर? आर इज़ जनरल गैस कॉन्स्टेंट, इंपॉर्टेंट है, हम इसको बाद में सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे पास ये सिचुएशन आ गई, अगर मैं प्रेशर को इस साइड पर ले जाऊँ तो क्या सिचुएशन होगी? पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँगी जी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन, ये इसी के नाम है। अब ये कहता क्या है? जनरल गैस इक्वेशन ये कहती है
कि अगर मैंने कोई स्पेसिफिक अमाउंट ले ली है गैस की, तो उस अमाउंट में जो उस गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू होगा जनरल गैस कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स के प्रोडक्ट के। या फिर अगर आप नंबर ऑफ मोल 1 ले लें तो पी वी वुड बी इक्वल टू आर टी, एन को आप 1 ले लेंगे ना, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जनरल गैस कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर वेन 1 मोल ऑफ गैस इज टेकन। अब न सिर्फ हमने सबको मिलाकर ये बनाई है, हम इससे सब गैस लॉस को भी डिराइव कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये इक्वेशन, इसको गौर से देख लीजिए। आपके पास इक्वेशन क्या थी, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, जो भी आपने ड्राइव की। सपोज आप बॉयल्स लॉ इसमें से निकालना चाहते हैं, तो बॉयल्स लॉ में कॉन्स्टेंट क्या क्या चीज़ें थी, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कॉन्स्टेंट, आर ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, ऐसे ही है ना। तो क्या बनेगा आपके पास, बच जाएगा पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, आर तो है ही कॉन्स्टेंट, तो ये सब वैल्यूज क्या होगी, कॉन्स्टेंट। तो पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, पी वी इज इक्वल्स टू के कह देंगे, तो बॉयल्स लॉ इसमें से निकल आएगा। इसको थोड़ा सा अगर हम अरेंज करते हैं, ये सिचुएशन है, और इस सब में अगर आप देखें और चार्लस लॉ अप्लाई करें, तो चार्लस लॉ में प्रेशर कॉन्स्टेंट था और एन कॉन्स्टेंट था, तो प्रेशर भी कॉन्स्टेंट, एन भी कॉन्स्टेंट, आर ऑलरेडी कॉन्स्टेंट, इन तीनों को ख़त्म करके कांस्टेंट लगा दें, पीछे सिर्फ टी बचेगा, तो वी वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, या वी इज इक्वल्स टू के टी, के इज कांस्टेंट। नेक्स्ट है आप एवोगाड्रोस लॉ ले लें, एवोगाड्रोस लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो वी वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एन, तो ये एवोगाड्रोस लॉ। अगर आपके पास किसी गैस का 1 मोल है, क्वेश्चन अक्सर वो दे देते हैं डिराइव द जनरल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, तो अगर वो 1 मोल कहेगा तो आप n को 1 लिखेंगे, तो पी वी वुड बी इक्वल टू आर टी, ठीक है बेटा। अगर आपके पास, इसको आप थोड़ा सा अरेंज करें, r साइड पे रह गया, t इधर नीचे आ गया, अगर आपके पास एक गैस है उसका पहले कोई प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, आप उसका कुछ चेंजेस कर रहे हैं, प्रेशर भी चेंज हो गया, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी, तो दो वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास, पी वन वी वन ओवर टी वन इट वुड बी इक्वल टू आर, एंड पी टू वी टू ओवर टी टू इट वुड ऑल्सो बी इक्वल टू आर। तो जब ये दोनों आर के बराबर हैं तो ये दोनों आपस में भी बराबर ही होंगे, तो पी वन वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू पी टू ओवर टी टू। तो आप जनरल गैस इक्वेशन की ये वाली जो इक्वेशन है अक्सर न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे, आप ये भी कर सकते हैं। अगर वो इनिशियल फाइनल वैल्यूज नहीं दे रहा तो आप ये अप्लाई करेंगे, अगर वो इनिशियल फाइनल वैल्यूज दे रहा है तो आप ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, दोनों जनरल गैस इक्वेशन।